अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एएस फैमिली ब्लॉग्स। तो आज है सैटरडे, आज है इनका छुट्टी, साथ में इनाया का भी है छुट्टी, पर आयान का छुट्टी नहीं था क्योंकि आयान का भी सैटरडे से सिर्फ हाफ डे रहेगा। मंडे टू फ्राइडे फुल क्लास, सैटरडे को हाफ डे। तो अभी वो आने में अभी और 40 मिनट्स है। अभी टाइम हुआ है 12:30 और घर का सब काम हो गया है, सिर्फ ये कपड़े धुले हुए कपड़ा है, इसको सिर्फ अभी फोल्ड करना है। मैं करूँगी पर उससे पहले खाना बना लूँगी। बाकी रूम वूम सब कुछ साफ़ कर लिया है, बेडशीट भी सा दिया है, झाड़ू पोछा हो गया है, हमने नहा भी लिया है, सिर्फ आयान आने के बाद नहाएगा। और ये गए हैं थोड़ा सा दाढ़ी और हेयर कट करने के लिए। नया यहाँ पे खेल रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, मतलब धूप, मतलब पूछे मत, बाहर देखिए इधर से आपको पता चलेगा फैन चल रहा है। और आज खाने में मैं बनाऊँगी राजमा चावल, राजमा मैं बनाऊँगी। तो राजमा के लिए मैंने मसाला निकाल लिया है, शायद ऑलरेडी चैनल में है, अगर नहीं है तो मैं आज शेयर कर लूँगी आपके साथ। पहले मैं मसाले में मैंने क्या क्या लिया है वो दिखा देती हूँ, पर उससे पहले देख लीजिए इनाया ने मिस्टर को कैसे करके सजा के वो खेल गई है। उस गमला में मतलब पूरा खिलौना है, और एक गमला है नीचे उसमें भी खिलौना है। इनका खिलौने से पेट ही नहीं भरता है, थोड़ा तो टूटा फूटा भी मतलब है खिलौना, पर फेंकती नहीं है, पर कोई नहीं, खेल रही है तो खेलने देते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको मसाले में क्या क्या है। राजमा को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था 11 बजे ही सोने से पहले, और इसको अभी मैंने बॉईल कर लिया है, वो बॉईल हो चुका है, कुकर में है। और इसके लिए मैंने लिया है, देख सकते हैं, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा मैजिक मसाला मैं डालती हूँ, ये नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, जो 5 रुपये वाला मैगी मैजिक मसाला आता है ना, तो वही। और ये है थोड़ा सा राजमा मसाला जो आपको कोई भी किराने की दुकान में मिल जाएगा, ये मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून। बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 तेज़पत्ता और उसी के साथ 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ प्याज, प्याज को मैंने मिक्सी में पेस्ट कर लिया था, तो प्याज को मैं थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन तक भून लूँगी और गैस को हमें धीमी आंच पे ही रखना है। तो प्याज हमारा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पे भून चुका है, तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने मसाला दिखाया था ना आपको, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया था, तो वही मसाला मैं ऐड कर रही हूँ अभी। और इस कटोरी को भी मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी और थोड़ा ऐड करके इसको भी डाल दूँगी। तो मसाला को भी हमें धीमी आँच पर ही भूनना है। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, और मैंने राजमा को बॉईल करने समय भी थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, और 1 पिंच ऑफ शुगर जो मैं ऐड करती हूँ कोई भी खाने में। और यहाँ पे अभी हमारा मसाला भून चुका है, तो अभी भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर प्योरे, मैंने टमाटर यहाँ पर लिया था 4 मीडियम साइज़ के, और मैंने गैस को धीमी आँच पर ही रखा है अभी तक। और हमें टमाटर को भी तब तक पका लेना है जब तक टमाटर से तेल मतलब ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, देख सकते हैं मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, तो देख सकते हैं राजमा भी यहाँ पे अच्छे से गल गए थे। तो इसको अभी हमें एकदम हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है, और 1 मिनट के लिए मैं धीमी आँच पर ही ऐसे ही रखूँगी, उसके बाद में पानी ऐड करूंगी। तो अभी इसमें मैं ऐड करूंगी पानी, और पानी मैंने वही पानी लिया है जिसमें हमने राजमा को बॉईल कर लिया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबल आने देंगे 5 मिनट के लिए, इसको धीमी आंच पे ही रखेंगे, उसके बाद हमारा राजमा बनके रेडी हो जाएगा। और ऊपर से मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ।
तो यहाँ पे हमारा राजमा चावल बन के रेडी है, साथ में है खीरा और बहुत ही टेस्टी बना था क्योंकि बच्चों ने खा लिया है, हम दोनों खाएंगे अभी। तो ये खा के आपको थोड़ी देर बाद मैं पूछ के बताऊंगी कैसा बना है। तो ये लोग भी मेरे साथ गए थे पार्लर, मुझे करवाना था आईब्रोज और मैं जहाँ पे जाती हूँ वो पार्लर बंद था, एक डेढ़ महीने से वो पार्लर बंद है, इसके वजह से मैं दूसरे पार्लर में गई थी। पर ये यहाँ पे बोल रहे थे आईब्रोज का 100 रुपीज़, तो मैंने नहीं किया, वापस आ गई मैं। पैसा ही पैसा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय पिया, चाय के साथ हम लोगों ने खाया समोसा और जलेबी। इनाया के लिए नहीं लेके आई थी क्योंकि इनाया नहीं खाती है समोसा, पर आजिश ने खा लिया तो हम दोनों ने आधा आधा खाया, इसने एक खाया ने एक खाया। और इनाया को देखिए गाना आया था, छोटा भीम छोटा भीम सबसे बड़ा नहीं छोटा भीम। वो कम खाती है, अभी पहले खाती थी अभी कम खाती है, पहले से बहुत पतली। अभी देखो समोसा भी देखो कैसे खाई है, एक मिनट खा रहा था। हाँ, आलू निकाल के सिर्फ बाहर खाई, वो चूहे खाते हैं ना ऐसे खाए। और आज राजमा कैसा बना था? राज की माँ राजमा, अच्छा तो अच्छा बना था, मतलब अच्छा इतना अच्छा नहीं था। नहीं अच्छा था, आज मैंने बनाया ना इसलिए। वैसे तो तुम बनाते हो, अभी जब से हम लोग घर से आए हैं ना ये आदमी किचन में घुसते ही नहीं है। किचन में घुसते ही नहीं है, पानी भी एक गिलास पानी लेके भी नहीं पीते, मतलब बनाने का तो दूर की बात है। खाना लिया मैंने पानी, वो टेबल में रखते हैं ना तो वहां से पी लेते, खुद जाके फिल्टर से या फ्रिज से निकाल के नहीं पिएगा। ये आयन भी मिस कर रहे हैं और इनाया भी मिस कर रहे हैं पापा का हाथ के खाना, पता नहीं कब बनाएगा। मार मिस कर रहा है। कल बनाओगे? संडे है कल, दोपहर में कुछ बना देना, हम सब खाएंगे। मैं बनाता हूँ भेजा फ्राई, क्या बोलते सब लोग खाएंगे? सब लोग भेजा फ्राई। हाथ धो जाओ इनाया, अभी कहाँ जाना है बाहर। अभी हम लोग पार्लर गए थे आईब्रो करने के लिए, पर आईब्रोज कितना था? 100 रुपीज, तो हमने नहीं किया, वापस आ गए। इंसान का आईब्रोज का 100 रुपीज तो इसलिए कल नहीं तो परसों जाएंगे, घर के पास में ही एक है वो 50 रुपीज लेती आती है, उनके पास ही जाऊंगी। तो फेंसिंग करने वाला मशीन है तो उससे से काट देगा आईब्रोज। सिर्फ पूछ के हम लोग आ गए थे क्योंकि जिसमें मैं करती ना वो मतलब उनका रिनोवेशन चल रहा है इसीलिए। इनाया के डांस क्लास भी जाना है। हाँ, पूछने के लिए जाना है। अगले लास्ट वीक भी हम लोग जाने वाले थे पर टाइम नहीं हुआ, तो आज अभी देखा तो 10 बजे तक खुला है बोल रहे, मतलब गूगल में बता रहे, तो देखेंगे। और ये है इनाया का डांस क्लास, तो उन लोगों ने कल से बुलाया है इनाया को, तो कल जाएंगे और देखते हैं क्या होता है।